जब भारत सिंगापुर में दुनिया के देशों को अपनी सर्वाधिक अचूक मिसाइल ब्रह्मोस बेचने के लिए घोषणा कर रहा था, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान में अमेरिकी डॉलर धड़ाधड़ बिक रहे थे, जिसका मतलब है पाकिस्तानी रुपए पर छपे जिन्ना जलवा फरोश की तस्वीर अपने पाजामे के नेफे में कोई नहीं रखना चाहता है। मतलब अब पाकिस्तान का यह जलवे फरोश जिनका रूप अख्तियार कर चुका है और लोग इसे बाय बाय करके ट्रंप बाबा के डॉलर को अपना रहे हैं। यानी गधों की पैदावार बढ़ाने वाला यह मुल्क अपना सफर मदरसों से होता हुआ घास मंडी के उस सलाम खाने तक ले आया है जहां पाकिस्तानी मस्जिदों की अजान कभी सुनाई नहीं देती। इस गेट पर केवल हाय अल्लाह और नया पाकिस्तान की चींची पोपो गूंज रही है। मतलब पाकिस्तान नाम का यह मुल्क अब फाकिस्तान बन चुका है। यह उसी दिन तय हो गया था जिस दिन फाके खान IMF के साथ मेमोरेंडम तैयार कर रहे थे। यानी पाकिस्तान का जिन्ना वाला रुपया अब गधों पर ही ढोया जाएगा, जिसके बारे में कयास लगा जा रहे हैं कि ईद के बाद जैसे ही बजट पास होगा और IMF के एग्रीमेंट पर साइन होंगे, इस मुल्क का मुंह शाही से पुत जाएगा। मतलब जिस जिराफी गर्दन को उठाकर यह पाकिस्तान बकलोली करता है, अब उस पर IMF की दुम लिपट चुकी है। जो जितनी कसेगी यह फंटर मुल्क उतना ही गूंगा और बहरा बनता जाएगा। यानी अब यह मुल्क दो पार्टों के बीच फंस चुका है, जिसमें एक IMF है और दूसरा चीन। पर यह असली कहानी नहीं है। पाकिस्तान में असली तमाशा तो ईद के बाद होने जा रहा है। पाकिस्तान के 9 लाख टैक्स पेयर में से अधिकतर अब पाकिस्तान से भागने की योजना बनाने में जुट गए हैं। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी बैंकों में जमा इनका बेनामी पैसा भी अब विथड्रॉल हो चुका है, जिससे पाकिस्तान में नकदी की समस्या भी मुंह उठाए आ रही है। इन लोगों में अधिकतर बिजनेसमैन हैं जिन्होंने उस पैसे को इंडस्ट्रियल इस्टेट और गोल्ड में इन्वेस्ट करके उसे सफेद पाकिस्तानी पजामा पहना दिया है। दरअसल इन लोगों को आभास हो चुका है कि IMF की हांडी को जीभ से चाटने वाले इमरान खान अब उसी जीभ को उनकी तरफ लपलपाकर कुर्ता फाड़ो खेल खेलने जा रहे हैं। पर मामला इन लोगों तक ही सीमित नहीं है, अभी तो उन पाकिस्तानी दुकानदारों की लंबी दाढ़ी पर भी निगाह है जो मंदी की मार में फानूस बन चुकी है। इमरान खान ने उन पर भी 10-15% टैक्स का बोझ डालने की तैयारी कर रखी है। यानी जैसे ही बाट तराजू उठाएंगे, इमरान खान चंपी करने के बहाने इनके बचे खुचे बाल भी उतार ले जाएगा। मतलब पूरा पाकिस्तान रोशनदान। बड़ी बात यह है कि IMF ने अपने बिना तेल लगे गांठदार डंडे से पाकिस्तान को समझाया कि अमरीकी डॉलर को ओपन मार्केट में खुला छोड़ना होगा, जिसका मतलब है पाकिस्तानी सरकार का उस पर नियंत्रण खत्म हो जाएगा और डॉलर बिना कच्चे के सारे पाकिस्तानियों के सामने नंगा नाचेगा। जबकि जिन्ना का फोटो वाला नोट पाकिस्तानी बच्चों को मदरसे में भेजने के काम आएगा। खास बात यह है कि पाकिस्तानी अवाम जो तरबूज खाकर रोजा इफ्तार कर रहा है, उससे उसकी गर्मी दब नहीं रही है। वह 28 मई के इंतजार में है। मतलब यही पाकिस्तानी IMF खान की तस्वीर पर लात मारकर इस जनाब को सिक्सर वाली गेंद बनाने के लिए कदम उठा सकते हैं। पर यह पाकिस्तान है, मुगलों मदरसों मजहब और मजबूरियों वाला मुल्क। इस मुल्क को आज तक इस बात की समझ नहीं आई है कि IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं कैसे काम करती है। यह मुल्क सिर्फ कर्ज उठाकर और परमाणु बम बनाकर उसी में उलझ गया है। यह संस्थाएं चाहती भी यही है। अब जरा वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाओं के कार्य करने के तरीकों को भी समझना जरूरी है। ये संस्थाएं दुनिया के उन देशों को गुलाम बनाने वाले नए संगठन हैं जो पूरी दुनिया को, खासकर इस्लामी देशों को, अपने कर्ज के जाल में उलझाए रखते हैं। यह ठीक उसी तरह है जैसे कोई व्यक्ति बड़ा कर्ज लेता है, फिर उसकी जिंदगी उसी कर्ज को उतारने में खत्म हो जाती है। इसके लिए वर्ल्ड बैंक और IMF किसी देश के 3 महत्वपूर्ण अंगों को अपने हिसाब से चलाते हैं। इसमें एक है विदेश नीति, दूसरा वित्त मंत्रालय और तीसरा है उसकी घरेलू नीतियां। यानी यह संगठन किसी भी देश को आसानी से गुलाम बना लेते हैं, जैसे पाकिस्तान IMF का गुलाम बन रहा है। अब पाकिस्तान के विदेश, घरेलू और वित्त मंत्रालय के निर्णय IMF के अनुसार लागू किए जाने वाले हैं, या ये कहे कि क्रियान्वित होने शुरू हो चुके हैं। IMF ने लोन के बहाने CPAC से जुड़े उन महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी अपने अधिकार में ले लिया है जो अमेरिका के दबाव के बावजूद भी पाकिस्तान नहीं दे रहा था। मगर एक ही झटके में यही पाकिस्तान कुर्ता तहमत उतारने के लिए तैयार हो गया। पर यह तो शुरुआत मात्र है, असली चोट तो इस देश की राजनीति पर पड़ने वाली है। यानी पाकिस्तान का इस 6 अरब डॉलर के बेलआउट पैकेज से पेट नहीं भरने वाला है। उसके खजाने में मात्र 1 महीने के खर्च के लिए पैसा बचा है। अब यह मुल्क उस विद्रोह की तरफ बढ़ रहा है जहां कभी भी बड़ी राजनीतिक उथल पुथल मच सकती है। IMF से इमरान खान ने जो डील की है, अब विपक्षी पार्टियां उसे मुद्दा बनाकर उग्र हो रहे पाकिस्तानियों को लामबंद कर रही है।
पाकिस्तान में हर किसी को आभास है कि 28 मई को आने वाला बजट उनके माथे पर काला चांद बनाने आ रहा है। इसलिए उसके बाद ही ये पाकिस्तानी इमरान की तसरीफ लाल करेंगे, मतलब ये जनाब को बताएंगे कि तुम नया पाकिस्तान बनाने आए थे या पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।